स्टूडेंट्स होप यू वाल एंड होम नाउल्यू विदिटी द हाइट ऑफ यूर क्लासमेट यूजिंग सिबलिंग का आप हाइट का मीजरमेंट करेंगे पहले आप करेंगे हैंड स्पान के थ्रू फिर आप करेंगे किसी भी मीटर स्केल से फॉर दिस आस्ट योर क्लासमेट टू स्टैंड विद बैक अगेंस्ट अ वॉल तब आप इसके लिए क्या करेंगे आप अपने सिबलिंग को या अपने क्लासमेट को आप क्या कह देंगे कि आप वॉल के अगेंस्ट बैक करके खड़े हो जाइए मार्क मे का मार्क ऑन अ वॉल एग्जैक्टली अब हिज हेड अब आप उसके हेड जहां पे आ रहा है वॉल पे उसका हेड वहां पे क्या करेंगे आप एक मार्क बना लेंगे नाउ मीजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विद योर हैंड स्पार्ट एंड देन विद द मीटर स्केल अब आप क्या करेंगे मीजर करेंगे डिस्टेंस को फ्लोर से जो भी आपने मार्क किया है वहां तक किस तरह से पहले आप करेंगे हैंड स्पान से और फिर करेंगे मीटर स्केल से लेट अदर स्टूडेंट मीजर दिस लेंथ इन अ सिमिलर वे अब किसी दूसरे स्टूडेंट को कहेंगे या फिर आप अपने मम्मी को या अपने पापा को कहेंगे कि आप भी इसी तरह से मीजरमेंट करिए फिर आपको अपने क्या करना है रिकॉर्ड करना है इस टेबल में हु मीजर द हाइट किसने मीजर किया हाइट इन हैंड स्पान तब कितनी हाइट आई और हाइट इन सेंटीमीटर तब कितनी हाइट आई आपकी ओके okay? आपके फ्रेंड की आपके सिबलिंग की स्टडी केयरफुली रिजल्ट ऑप्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट अब डिफरेंट डिफरेंट पीपल के साथ जब आप ये करेंगे ये वाली एक्टिविटी तब आप रिजल्ट को केयरफुली आप ऑप्टेन करेंगे द रिजल्ट इन कॉलम टू मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज द लेंथ ऑफ द हैंड स्पान मे बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट है ना क्या हो सकता है जो हैंड स्पान का जो आपका रिजल्ट है वो डिफरेंट आएगा क्यों आएगा क्योंकि सबके हैंड स्पान की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है डिफरेंट पीपल होंगे उनके हैंड भी डिफरेंट होंगे और उनका हैंड स्पान की लेंथ भी डिफरेंट आएगी लुक एट द रिजल्ट इन कॉलम थ्री अब आप जब आप कॉलम थ्री का जब आप रिजल्ट देखेंगे हाइट इन सेंटीमीटर जो कि आप मीटर स्केल से कर रहे हैं तब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे द बीजा मेट आर डन यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल द रिजल्ट मे बी क्लोज टू ईच अदर नाउ एक दूसरे के क्लोज ही होंगे वन या टू पॉइंट का ही डिफरेंस होगा बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल क्या ये इक्वल है इफ नॉट वाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस क्यों लगता है आपको कि इसमें डिफरेंस है आफ्टर ऑल एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पान क्यों लग रहा है जबकि सब सेम स्केल का यूज कर रहे हैं डिफरेंट हैंड स्पान का यूज थोड़ा ना कर रहे हैं दिस कूड बी ड्यू टू स्मॉल एरर इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन इन हायर क्लासेस ये इसमें स्मॉल स्मॉल एरर आ सकते हैं देखिए जो आपको इन ऑब्जर्वेशन में थोड़े से डिफरेंस आ सकता है थोड़े से एरर आ सकते हैं कि जब आपको देखिए पता है कि आपको कौन कौन से टेक केयर करने चाहिए जब भी आप किसी लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं बट जो आप दूसरा पर्सन करें तो उसे ये सब ना पता हो तो हो सकता है आपकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है इन हायर क्लासेज वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर्स इन द मेजरमेंट अब हम इन चीजों को हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्या मेजरमेंट के जो एरर्स आते हैं उनको हम किस तरह से जान सकते हैं और उनको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं नाउ वी विल कंटिन्यू द दिक्कत टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन अब हमने स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट करना तो सीख लिया बट हम कर्व लाइन का कैसे मेजरमेंट करते हैं हम हम वो सीखेंगे वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन डायरेक्टली बाई यूजिंग अ मीटर स्केल अब हम मीटर स्केल के थ्रू जो है हम कर्व लाइन का मेजरमेंट नहीं कर सकते वी कैन यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व कर्व लाइन देखिए अब हम इसमें जैसे थ्रेड का यूज कर रहे हैं ना ये थ्रेड का यूज करके हम कर्व लाइन को मेजर कर लेंगे और फिर हम मीटर स्केल से कर्व जो हमने थ्रेड लिया है उसकी लेंथ को हम मीजर कर लेंगे ठीक है लेट स्टडी एक्टिविटी फोर यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन ए बी अब आपको ए बी लेंथ को देखिए कर्व लाइन दी हुई है ना इसका मेजरमेंट आपको करना है पुट अ नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट एंड एक तरफ आप क्या करेंगे थ्रेड के नॉट लगा लेंगे एक साइड प्लेस दिस नॉट ऑन द पॉइंट ए पॉइंट ए पे उस नॉट को रख देंगे नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन कीपिंग इट टॉट यूजिंग फिंगर एंड थम क्या करेंगे स्मॉल स्मॉल पोर्शन से अपने फिंगर और के इसको आप मीजर करते चलेंगे होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विथ वन हैंड एक हैंड से आप इसके एंड पॉइंट को पकड़े रखेंगे यूजिंग द अदर हैंड स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलॉन्ग द कर्व लाइन गो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड बी द कर्व लाइन इज रीच जब तक आप एंड बी तक नहीं पहुंच जाते कर्व लाइन के तब तक आप इस प्रोसेस को छोटी छोटी डिस्टेंस तक आप उसको मीजर करते रहेंगे मे का मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टच इज द एंड बी अब क्या करेंगे जहां पर थ्रेड ने एंड बी को टच किया आप उसको मार्क कर लेंगे नाउ स्ट्रेच देंड अलोंग अटर स्केल अब मीटर स्केल भी आप क्या करेंगे थ्रेड को स्ट्रेट स्ट्रेच कर देंगे लेंथ बिटवीन नॉट इन द बिगनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑफ द थ्रेड अब क्या करेंगे मीजर कर लेंगे जहां पे आपने फर्स्ट पॉइंट पे जहां पे आपने नॉट किया था थ्रेड थे को और जो आपका फाइनल मार्क आया है वहां तक दिस गिव लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन ए बी इससे आपको पता चलेगा कि ए बी की कितनी लेंथ है वी सी दैट वी नीड अ लॉट ऑफ केयर टू इंश्योर दैट वी आर मीजरिंग डिस्टेंसेज एंड लेंथ करेक्टली हमें बहुत केयर की नीड है ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी हमने लेंथ या डिस्टेंस को मीज़र किया है वो करेक्ट है या नहीं एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड डिवाइसेस विथ विच वी मीज़र दीज डिस्टेंसेज एंड कैन कन्वे आवर रिजल्ट टू अदर और इसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स की कुछ डिवाइसिस की नीड होती है जिसे हम किसी दूसरे तक ये कन्वे करने के लिए हमारे रिज़ल्ट को कन्वे करने के लिए कि हमारी डिस्टेंस कितनी आई है हमारा लेंथ कितना आया है उस तक सही रिजल्ट हम पहुंचा सकें